अभी तक ये खबर पूरी कंट्री में आग की तरह फैल चुकी है कि न्यूली वेडेड कपल्स आलिया भट्ट और रणबीर कपूर पेरेंट्स बनने से अब कुछ ही कदम दूर हैं, जिसका प्रूफ खुद एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से सोनोग्राफी की एक फोटो शेयर करके दिया है। आलिया की सडन प्रेगनेंसी की खबर आते ही उनके कई पुराने वीडियोस अब वायरल भी हो रहे हैं। ऐसे में एक्ट्रेस आलिया और उनकी बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा रंजन की चैट शो का एक पुराना वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आलिया खुशी खुशी आकांक्षा के एक सवाल के जवाब में अपनी दिल की बात शेयर करते हुए एक पेपर का टुकड़ा उठाती है और कहती है कि उन्हें दो बच्चे चाहिए और वो भी लड़के। आलिया का यह वीडियो आकांक्षा ने इंस्टाग्राम पर एक विशिंग नोट के साथ शेयर किया है, जिसे आप आलिया भट्ट के पर्सनल यूट्यूब चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। How many kids do I want? Come on. Yes, two boys. वैसे फैमिली प्लानिंग को लेकर आलिया ही नहीं बल्कि रणबीर कपूर का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें आरके अपनी शमशेरा मूवी के ट्रेलर लॉन्च पर फैमिली प्लानिंग पर बात करते हुए देखे जा सकते हैं। खैर, इन दोनों ही कपल्स की बातों से यह साफ जाहिर होता है कि इन्होंने साथ में ही फैमिली प्लानिंग करने का प्लान बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, जिसे मौके मौके पर इशारों के जरिए ये पब्लिकली शेयर करते आए हैं। वैसे आलिया ने तो बेबी बॉय की डिजायर शेयर कर दी है, लेकिन एक डांस रियलिटी शो में जब एक कंटेस्टेंट अलमा ने परफॉर्म किया तो आलिया को अलमा नाम भी काफी कैची लगा था, जिस पर उन्होंने कहा था कि उन्हें अलमा नाम भी काफी सुंदर लगा और अगर उनकी बेटी हुई तो उसका नाम भी वह अलमा ही रखेंगी। अब आलिया का बेबी बॉय हो या गर्ल, हम तो आलिया को उनकी सून टू बी मदर होने के लिए ढेर सारी बधाई ही देंगे। बॉलीवुड से आयनिस की रिपोर्ट।